हेलो। तो मेरे भाई, इस वीडियो के अंदर हम डब्बा खोलने वाले हैं एलजी के गेमिंग मॉनिटर का। नॉट गेमिंग मॉनिटर, 24 इंच का फुल एचडी आईपीएस पैनल वाला मॉनिटर है। 75 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है। तो डब्बा खोलने पे अपने को सामने की तरफ एक सीडी, पावर अडेप्टर, एचडीएमआई केबल एंड इसका स्टैंड वगैरह देखने को मिलता है। वी शेप का स्टैंड है, काफी अच्छा डिजाइन है। रेड एंड ब्लैक कलर का डिजाइन है साउंड के अंदर। वी लाइन स्टैंड जिसको बोलते हैं वो है इसके साथ। एंड जो कनेक्टिविटी की बात करता हूँ मैं, अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं बाकी कुछ कॉन्स इसके बारे में फेमस है इस मॉनिटर के, कि एक बैकलाइट अपग्रेडिंग इशू रहता है। एंड दूसरा, कौन बंदे ये बोलते हैं कि ये ओवरक्लॉक नहीं हो सकता। ओवरक्लॉक नहीं हो सकता, ये बात ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में देखा और दूसरे भाइयों की वीडियोज भी देखी तो पता चला है ओवरक्लॉक नहीं हो सकता, बट मैंने पर्सनली ट्राई करके नहीं देखा तो मैं बता पाऊँ। बिकॉज ये पीके का है एंड पीके को करना है कॉन्टेंट क्रिएशन का काम। अपनी वीडियोज एडिट करनी है इस मॉनिटर पे, उसको गेमिंग वेमिंग नहीं करनी है। एंड उसके लिए बढ़िया है, बिकॉज जो इसका कलर वगैरह है ना, वो बहुत बेहतरीन आएगा निकल के, जो कि मैं आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ही, वो आप देख पाओगे। अभी तो अनबॉक्सिंग पूरी कर लेते हैं अच्छे से। तो हटा दिया सारा चीज, ये यूजर मैनुअल इसका। अगर कुछ भी समझ ना आए, अगर आप सेटअप कर रहे हो मॉनिटर को, स्टैंड वगैरह कैसे लगाना है, तो आप यूजर मैनुअल पढ़ के कर सकते हो, बट काफी ईजी है। बहुत सारे भाई ऐसे जो यूजर मैनुअल नहीं पढ़ते, बट कभी कभी पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है अगर कुछ ट्रिकी सा मैकेनिज्म हो कुछ लॉक वगैरह करने का। तब तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी इसका डिजाइन है काफी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी हैवी मॉनिटर है टू बी ऑनेस्ट। एंड नीचे की तरफ इसमें आपको एक जॉयस्टिक टाइप दे रखा है पूरे इस मॉनिटर को कंट्रोल करने के लिए, सेटिंग वगैरह करने के लिए। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, चलो अभी थोड़ा सा डिटेल से। जैसा मैंने बताया कि 24 इंच का डिस्प्ले साइज है इसका, आईपीएस पैनल है, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है एंड 75 वर्ड्स का रिफ्रेश रेट है। आपको तीन तरह की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है इसमें। आप इसका डिस्प्ले पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो, HDMI कनेक्ट कर सकते हो और VGA केबल है, साथ ही पावर अडैप्टर के लिए स्पेस दे रखा है। एंड आप अगर अपना हेडफोन वगैरह भी इस मॉनिटर में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप HDMI के थ्रू यूज करते हो तो आप डायरेक्ट आउटपुट ले सकते हो यहाँ से अपने स्पीकर या हेडफोन के लिए। ठीक है, उधर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है मॉनिटर पर ही। और दूसरी तरफ बात करें कि इसके अंदर आपको ब्लैक स्टेबलाइजर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। उसमें ये होगा कि अगर आपकी गेम में या आप कोई कंटेंट वगैरह इस पर देख रहे हो, मीडिया कंजप्शन कर रहे हो, जहाँ पे ज्यादा डार्क सीन है, तो वहाँ पे विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उस फीचर के साथ। AMD फ्रीसिंक सपोर्ट करता है ये। AMD फ्रीसिंक बोले तो आपके पास अगर AMD ग्राफिक कार्ड है, देन आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, यूज कर पाओगे। स्क्रीन टियरिंग स्टटरिंग जो होती है वो नहीं होगी अगर आप AMD का ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन गेम कर रहे रन कर रहे हो वो बिल्कुल सिंक होके चलेगी। तो अभी आप देखो कलर में डिफरेंस कितना है। मैंने उसको कंपेयर किया मेरे गेमिंग मॉनिटर के साथ, जो कि है एसर का आई ओपन कर्व गेमिंग मॉनिटर। ये मैंने 12,000 रुपये का, वैसे जनरली सेल में चलता है, मैंने 11,000 कुछ का खरीदा था, 11,500 रुपये का। और दूसरी तरफ एलजी का जो मॉनिटर है वो 10,000 रुपये का है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का, बस 1,000-2,000 रुपये का डिफरेंस है। बट वो एक कर्व्ड मॉनिटर है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। एंड दोनों मॉनिटर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक दे दूंगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो अमेजोन से, तो हमारे लिंक को कंसिडर कर सकते हो, उससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, आपको कोई ज्यादा कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। तो अब भी आप कलर डिफरेंस देख सकते हो दोनों मॉनिटर्स में कितना है। अगर आपको कॉन्टेंट क्रिएशन करना है, देन आप एलजी के मॉनिटर के लिए जा सकते हो। अगर आपको गेमिंग ही करनी है, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, देन आप ये एलजी का मॉनिटर कंसिडर मत करना। कोई दूसरा, जैसे आप 1,000-2,000 रुपये दो, आपको ये ओपन काफी अच्छे मॉनिटर्स 144 Hz रेट के साथ दे देता है। तो बस भाई, ये वीडियो थी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना चाहूँगा।